हाय दोस्तों, मैं हूं अजय उपाध्याय। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं बताने चल रहा हूं थोड़े RBL के रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में कि हम रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम कैसे करते हैं। पूरी अच्छी से जानकारी दूंगा, पर थोड़ी दोस्तों बता देता हूं कि आपको रिडीम करने से पहले क्या क्या करना होता है, उसको कैसे आप रिडीम करते हैं। तो करने से पहले थोड़ी सी हल्की सी जानकारी देता हूं, अब वो जानकारी आप ले लो। और लेने से पहले दोस्तों वीडियो पूरी देखना, क्योंकि एक एक जानकारी कैसे कैसे रिडीम करते हैं वो चीज़ आपको अच्छे से पता लग जाए, वरना दोस्तों आप इसमें धोखा भी खा सकते हैं, आपके रिवॉर्ड पॉइंट डूब भी सकते हैं। तो आपको दोस्तों वीडियो पूरी देखनी होगी, वीडियो पूरी देख के ही जाना है, वरना दोस्तों आपके रिवॉर्ड पॉइंट डूब भी सकते हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों, पहली जानकारी थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, उसके बाद मैं पूरी वीडियो दिखाता हूँ आपको कि रिवॉर्ड पॉइंट हम कैसे कैसे इसके रिडीम करते हैं। रिडीम करने से पहले हम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और बिग बाज़ार और कई ऐसी साइटें होती हैं, उससे जाके हम उसका इस रिवॉर्ड पॉइंट से उनसे उनके वाउचर खरीद सकते हैं और वहां जाके हम अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, वाउचर भी खरीद सकते हैं अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के, आप वहां पे इजीली जाके वहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं और बिग बाज़ार के वाउचर भी आप खरीद सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़, आप इससे फ़ोन, जो मोबाइल फ़ोन होते हैं, आप मोबाइल फ़ोन भी खरीद सकते हैं, मोबाइल के एसेसरीज भी खरीद सकते हैं, बर्तन भाड़ा भी खरीद सकते हैं और कई चीज़ें होती हैं जो आप खरीद सकते हैं। जो जो उस पर ऑप्शन आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, जो जो ऑप्शन आ रहा है आपको सारी चीज़ कर सकते हैं। बट आपको दोस्तों एक चीज़ आपको नॉलेज दे देता हूँ कि 5000 से ऊपर रिवॉर्ड पॉइंट हो तभी आप दोस्तों खरीदें, तभी आप परचेस करें, तब आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि दोस्तों 1000, 2000, 3000 से दोस्तों कोई खरीद तो सकते हो पर कोई चीज़ अच्छे नहीं होते। ये है, आपके पास जब 5000 से ऊपर रिवॉर्ड पॉइंट हो जाए तभी आप इन चीज़ों को खरीदने जाएं। ठीक है, आप तभी परचेस करें, तब आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि अदरवाइज मुझे ठीक नहीं लगता 5000 के ऊपर। और RBL का जो भी कार्ड हो आपके, चलो ठीक है, जो भी कार्ड होता है, यह है, मैं अपनी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। रिवॉर्ड पॉइंट मेरे पास मैक्सिमा कार्ड है, RBL का मैक्सिमा कार्ड है, उस मैक्सिमा कार्ड में अच्छे खासे बेनिफिट मिले थे। 2000 रुपये उसकी प्रोसेसिंग फीस है, पर फीस तो थोड़ी ज़्यादा है, पर ये है जैसे जैसे बेनिफिट मिले बहुत अच्छा लगा। अभी कुछ महीने पहले, 4 महीने पहले की बात है, रिवॉर्ड पॉइंट पे मुझे उसके 20 से 30 हज़ार रिवॉर्ड पॉइंट थे, जिसमें मेरे को 3500 रुपये कैशबैक मिला था। मैंने 3500 रुपये उसको रिवॉर्ड रिडीम कराए थे, तो मेरे अकाउंट में आ गए थे पैसे। तो पहले तो मैंने 3500 रुपये निकाले, उसके बाद क्या हुआ, 10000 पता नहीं कहाँ से और आ गए, क्योंकि मैंने शॉपिंग तो बहुत सारी करी थी, शॉपिंग के जरिए मेरे पास वो दोबारा से रिवॉर्ड पॉइंट आ गए। 10 से 12000, 13000 रिवॉर्ड पॉइंट थे, आपको मैं दिखा दूंगा वीडियो में। तो 13000 अभी रिवॉर्ड पॉइंट करंटली पड़े हुए हैं, जिससे मैंने एक हेडफोन मंगाया हुआ है और उस हेडफोन को मैंने अप्लाई कर दिया है। अप्लाई कैसे कैसे करा है आपको बस मैं सारी जानकारी देता हूँ कि कैसे कैसे मैंने उस साइट पर गया, RBL के साइट पे गया, कैसे कैसे मैंने रजिस्टर्ड ID करी है, और ID बनाने के बाद उस हेडफोन पे गया, MI का हेडफोन था, MI के हेडफोन पे गया, और कैसे कैसे मैंने उस पर पेमेंट करी और कैसे, मुझे पूरी जानकारी दी है, एक टू एक ऑर्डर से लेके ऑर्डर तक कैसे कैसे मैंने ऑर्डर करा है सारी जानकारी दी है। तो चलो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो पूरी देखना, दोस्तों पहले मैं बता के चल रहा हूँ, वीडियो पूरी देखना वरना आपसे मिस्टेक भी हो सकती है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, बताते हैं आपको इसकी पूरी जानकारी कि कैसे कैसे मैंने इसको और हाँ दोस्तों, खरीदने से पहले दोस्तों आप स्टार जरूर देखें अमेज़ॉन पे जाके, कितने रिव्यू मिले हैं उस प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उसको कितने रिव्यू मिले हैं, क्या कमेंट है, कितनी बैटरी बैकअप है, मतलब कुछ भी चीज़ आप खरीद रहे हैं तो दोस्तों उसका रिव्यू जरूर देखा करें, रिव्यू देख के ही आप प्रोडक्ट लें। तो दोस्तों चलो वीडियो की तरफ चलते हैं, आपको अच्छे से जानकारी देते हैं कि कैसे कैसे मैंने इसको परचेस किया है और कैसे अपने रिवॉर्ड पॉइंट से इसका फ़ायदा उठाया है। तो चलो दोस्तों चलते हैं। जैसे कि दोस्तों मोबाइल डिस्प्ले की तरह के क्रोम खोलेंगे, क्रोम खोलने के बाद यहाँ पे लिखना है RBL रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम, ये लिखना है हमें, जैसे कि लिखा है हमने। अब इस पर हमको सर्च करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, RBL लॉगिन करके आ रहा है, तो उसमें हमको क्लिक करना है। यहाँ पे आपने ID पासवर्ड बनाया तो ठीक है, वरना आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, जैसे लॉगिन पासवर्ड ये है, आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा अगर आपने करा नहीं तो। आप रजिस्टर करेंगे, कार्ड नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे अपनी, और एक आपको ईमेल आईडी डालनी होगी, और फिर आपके पास एक OTP आएगा, उस OTP को आपको डाल के आपको लॉगिन हो जाना है अंदर। मैंने बल्कि लॉगिन कर रखा था, तो मैं अपना पासवर्ड और ईमेल आईडी डाल के उसको लॉगिन कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैं अंदर
आ चुका हूँ। हाँ मैं अभी बस डाल रहा हूँ, बस इसके बाद मैं अंदर आ जाऊँगा। ये मैंने लॉगिन कर लिया। जैसा कि मेरा रिवार्ड पॉइंट आप देख सकते हैं 13,488 रिवार्ड पॉइंट है मेरे पास, देख सकते हैं। अभी मैं आपको शॉपिंग करके दिखाऊंगा इससे कि कैसे कैसे हम शॉपिंग कर सकते हैं। आपको पूरे गारंटी के साथ इसमें शॉपिंग करूंगा दोस्तों, कि कैसे हम शॉपिंग करते हैं और कैसे कैसे इसको पे करते हैं और कैसे हमें ख़रीदते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके का कुछ पेज खुलेगा, आप यहाँ से कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं, जैसे कि हीटर हो गया, अभी सर्दी आ रही है, हीट कन्वर्टर, मतलब कुछ भी चीज़, फ़ोन खरीद सकते हैं, मिक्सी जार खरीद सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों 4,192 रुपये का मिक्सी है और आपको उसके लिए कितने कितने, जैसे कि 23,975 रुपये, तो अपने आपको 4,000 रुपये का ये मतलब कि हीट ये मिलेगा, हीटर टाइप का। तो दोस्तों कई चीज़ हैं, ऊपर प्राइस लिखा होगा, नीचे आपको रिवॉर्ड पॉइंट लिखे होंगे, तो उतने रुपए का है, मतलब कि इतने रुपए का ये है, तो और इतने रुपए का आपको रिवॉर्ड पॉइंट में मिल रहा है, ये चीज़ होगा। आप इससे मोबाइल भी खरीद सकते हैं, मोबाइल के एसेसरीज भी खरीद सकते हैं और कई चीज़ें हैं जो आप इससे परचेज कर सकते हैं। बट मेरे को एक ये देखो, जैसे कि मैंने मोबाइल पर क्लिक करा है तो मोबाइल पर देख सकते हैं 28,000 का कुछ ये फ़ोन मिल रहा है, तो आप उसको 1,46,000 आपको रिवॉर्ड पॉइंट देने पड़ेंगे। और इस पर सारे बड़े बड़े मोबाइल भी मिलते हैं, महंगे महंगे मोबाइल मिल रहे हैं, आप यहाँ से हेडफोन भी खरीद सकते हैं दोस्तों। तो ये सब दोस्तों, और देख सकते हैं मोबाइल एसेसरीज, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, आप वीडियो पे पूरा पूरा बना रहे, जैसे कि मैंने, मेरे को हेडफोन चाहिए ये वाला, तो मैंने मेरे को ये चाहिए था, तो मेरे को ये पड़ रहा है 2,399 रुपये का, 2,360 रुपये का पड़ रहा है, 2,360 पे मुझे 11,795 रिवॉर्ड पॉइंट देने पड़ेंगे। तो चलो मैं इसको प्रोसेस करूँगा, यही मुझे चाहिए, तो मैं इसको प्रोसेस करूँगा, ठीक है। आप ये पूरे टर्म कंडीशन ये पढ़ लें ध्यान से, ऐसे पढ़ के लेना जो भी है। देखो मैंने प्रोसेस को आगे बढ़ाया तो ये कुछ दिख रहा है इस प्रकार से। क्वांटिटी एक है, रेट है इसका 2,360 और 11,795 मैं रिवॉर्ड पॉइंट पे कर रहा हूँ, मतलब कि दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अपना आप जहाँ पे आपको मंगाना है वहाँ का पिन कोड, आपको एड्रेस, मकान नंबर, हाउस नंबर जो भी है वो सब यहाँ पे डालना है। तो जैसे कि मेरा जो मकान नंबर है वो डालूँगा, मेरा जो पिन कोड है वो डालूँगा, यहाँ पे वही आपको एड्रेस फिल करना है जहाँ पे आपको आपका प्रोडक्ट ये चाहिए आपको, ठीक है, वही आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो मैं फिलअप कर देता हूँ जल्दी से जल्दी, सिक्योरिटी के लिए मैंने हाइड कर दिया है। ऐसे आप भी आपको कुछ मंगाना हो तो ऐसे ऐसे आप, ये तो जेन्युइन है, इसको तो मैं हाइड करके रख रहा हूँ, पर आप भी अपना एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं। तो मैं मंगाने के लिए आपके लिए बस यही वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ बस, कि आप भी जान सके कैसे कैसे ऑर्डर करते हैं। वहाँ तक तो आपने क्लियर कर लिया, इसके बाद मैं अपना, और आपको कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर देना है, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर से ही आप वो कॉन्टैक्ट कर पाएंगे, और एक मेल आईडी भी आपको इस पर देनी होगी। जैसे कि मैंने अपना सारा डाल दिया, आपको डिस्ट्रिक्ट मतलब कि आपको ये भी फिलअप करना पड़ेगा कि आप कौन सी जगह रहते हैं, दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, या जहाँ भी रहते हैं आप वहाँ क्लिक कर दें, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे आप क्लिक करने के बाद वहाँ पे फिर आप कर सकते हैं, वहाँ आप मंगवा सकते हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों, जैसे सीतापुर, आपको अगर आपने जैसे यूपी में कहीं रहते हैं तो यूपी सेलेक्ट करने के बाद फिर उस सिटी का नाम बताएगा यूपी में किस जगह रहते हैं। यूपी बहुत बड़ा है तो यूपी में फैजाबाद, गाजियाबाद, हापुड़, हरदोई, तो जैसे मैं यूपी में रहता हूँ तो यूपी का उसमें पूरा दिखाएगा कि आप यूपी में किस जगह रहते हैं। तो दोस्तों एक जर्नलिस्ट की चीज़ होती है, बहुत बारीकी से हमको हर चीज़ उस पर फिलअप करना पड़ता है। तो मैंने जैसे कि आगे ऑर्डर पर सारा एड्रेस डालने के बाद अब मेरे को आगे एक और बता दिया गया है कि अब ये वाला आप प्रोसेस आगे करें। जैसे कि मेरे को बताया जा रहा है, आपने ऑर्डर रिव्यू दिखाया जा रहा है कि आप ध्यान से देख लें ये प्रोडक्ट आपके पास है। तो मैं चलता हूँ अमेज़ोन के पास, कोई भी प्रोडक्ट लेने के बाद मैं उसका रिव्यू ज़रूर देखता हूँ, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं रिव्यू ज़रूर देखता हूँ कि मैं प्रोडक्ट कैसा परचेज़ कर रहा हूँ और वो है कैसा, उसका वो अच्छा खासा है कि मैं ऐसे पैसे फूंक रहा हूँ उसके अंदर। तो मैं चलता हूँ अमेज़ोन पे जाऊँगा,
MI के हेडफोन जो मैं ले रहा हूँ वहाँ से रिडीम करके, जैसे वहाँ पे मेरे को 2300 कुछ का पड़ा है, यहाँ पे 1799 रुपये का पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। तो 1799 का पड़ रहा है, तो आप देख रहे होंगे 1799 पड़ रहा है। इसके जो रिव्यू स्टार जो इसको मिले हुए हैं वो मैं, वैसे अच्छा दिख रहा है देखने में, बहुत क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। और रिव्यू दोस्तों मैं पढ़ लेता हूँ, कोई भी चीज़ लेने से पहले मैं पढ़ता ज़रूर हूँ उसके बारे में, तभी मैं लेता हूँ, बट मैं आपको भी दिखाने के लिए करा था। 4.4 इसको रेटिंग मिली हुई है, साउंड क्वालिटी अच्छी है, बैटरी क्वालिटी आपको 20 आवर्स आपको 20 घंटे आपको मिल जाएंगे इसको सुनने के लिए, तो अच्छा खासा ये दिया गया है। और दोस्तों जैसे कि मैं प्रोसेस मैंने आगे करा हुआ है, तो ये देखो जैसे दिखा रहे हैं अभी भी ये क्लियर ही कर रहा है मेरे से। हाँ दोस्तों, अब ये पूछ रहा है कि आपको पे करना है कैश कार्ड से पे करना है या कैश कार्ड दोनों से आप कैश से कैश देना चाहते हैं, कार्ड देना चाहते हैं, या कार्ड और रिवॉर्ड पॉइंट देना चाहते हैं, या रिवॉर्ड पॉइंट ही देना चाहते हैं, तो ये चीज़ के लिए कह रहे हैं। तो मुझे रिवॉर्ड पॉइंट से ही पे करना था, तो जब मैं पे करूँगा अपने, मेरे कार्ड का वो डिटेल आ गया है, तो मैं पे करूँगा तो मेरे पास OTP आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं OTP आया, वहाँ यहाँ फिलअप करके मैं सबमिट कर दूँगा, देख सकते हैं दोस्तों। तो ये देखो, थैंक यू योर ऑर्डर, तो बस मैंने जैसे मैं पेमेंट करी, मैंने रिवॉर्ड पॉइंट वो पे कर दिए, तो उसके बाद ये सारा मतलब ये पेमेंट हो गई है, रिवॉर्ड पॉइंट मेरे कट गए हैं, मतलब मैंने 2360 रुपये मैंने पे कर दिए हैं रिवॉर्ड पॉइंट के जरिए, मैंने ये प्रोडक्ट ले लिया। ये प्रोडक्ट 10 दिन के अंदर आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे मैंने आपको जैसा मैं दिखा सकता हूँ, ऑर्डर आईडी लिखा हुआ है, ऑर्डर आईडी ये है, देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके का था, कैसे कैसे मैंने पेमेंट करी है, कैसे कैसे मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। अब ये दोस्तों 10 दिन बाद आ जाएगा मेरे पास, 10 से 12 दिन लगते हैं ये प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगा। आपने देखा होगा कैसे ये ओरिजिनल MI हेडफोन दिखा रहा था, और मैंने जैसे कि मैं अमेजोन पे गया था, और इस पर 4.5 मतलब कि 4 से 4.5 इसको रिव्यू मिले हुए थे, 4.5 स्टार मिले थे, तो बहुत अच्छा माना गया है। तो ऐसे अगर आप भी कुछ चीज़ परचेस कर रहे हैं, तो आप ज़रूर पहले स्टार देख लें, रिव्यू देख लें, उसके बाद उसको परचेस करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो पर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर दें। तो चलो दोस्तों चलते हैं, बाय, टेक केयर।